नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं सफलता का पहला नियम, भागो मत सिर्फ जागो। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज के जमाने में बहुत कम लोगों में ही सच्ची लगन दिखाई देती है। मॉडर्नाइजेशन के इस दौर में सभी लोग सब कुछ फटाफट चाहते हैं। अक्सर हमें अखबारों, न्यूज चैनल्स में ऐसी खबरें पढ़ने को और सुनने को मिलती है कि रातों रात कामयाबी के कई लोगों ने कदम चूमे। ऐसी खबरें देखकर और सुनकर हमारा भी मन करता है कि हमें भी वो सब कुछ जल्दी से जल्दी मिले। इस विषय पर लेखक लियोनार्ड पिट्स के अनुसार, अक्सर दूसरों की कामयाबी को देखकर हम लोगों को लगता है कि बड़ा नाम कमाया या सफल होना बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि हमें उनकी कामयाबी के पीछे लगी कड़ी मेहनत और लगन का अंदाजा नहीं होता। हम सिर्फ कामयाबी और सफलता को ही देखते हैं, लेकिन सच्ची लगन का मतलब क्या होता है? सच्ची लगन का मतलब है नाकामी या समस्याओं के बावजूद किसी भी हालत में अपने मकसद या काम में मजबूती से टिके या लगे रहना। आइंस्टाइन की यह कहानी सच्ची लगन का एक एग्जाम्पल है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में शायद आप जानते होंगे। वह जब भी कोई काम किया करते थे तो वह उस काम में खो जाया करते थे। उन्हें दूसरे किसी काम का होश नहीं रहता था। एक बार वह अपनी लेबोरेटरी में कोई काम कर रहे थे तो उनकी पत्नी उनके लिए खाना लेकर आई। उनको काम में खोया हुआ देखकर वह उनकी थाली एक टेबल पर रख कर चली गई। उन्होंने सोचा कि जब भी काम से फुर्सत मिलेगी वो खाना खा लेंगे। साथ ही आइंस्टाइन के सहयोगी मित्र भी काम पर लगे थे। खाने की थाली देखकर उनकी भूख भड़क गई और वो आइंस्टाइन को छोड़कर खाना खाने के लिए चले गए। उन्होंने अपने खाने के साथ आइंस्टाइन का खाना भी खा लिया। आइंस्टाइन पूरी लगन के साथ अपने काम में लगे रहे। जब उन्होंने अपना काम निपटा लिया तो वह खाना खाने के लिए अपने टेबल के पास गए तो उन्होंने देखा सभी बर्तन खाली है। उन्होंने सोचा कि शायद मैं खाना खा चुका हूँ और फिर पानी पीकर वापस अपने काम में लग गए। उनके सभी सहयोगी उनके काम के प्रति लगन को देखकर नतमस्तक हो गए। यह होती है काम के प्रति सच्ची लगन। दोस्तों, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उनकी माया को पार करना अत्यंत मुश्किल है। उनकी माया को पार करना या उत्तीर्ण होना हर जीव के लिए नामुमकिन नहीं है, लेकिन मन में लगन अगर सच्ची हो तो भगवान भी आपके पीछे खड़े हो जाते हैं और असंभव काम भी संभव हो जाता है। इस बात पर हमेशा पूरा भरोसा रखिए कि अगर आप अपने काम में डटे रहते हैं तो आप जरूर कामयाब होंगे। मित्रों, यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो शेयर करिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।